मैच नंबर 23 हैदराबाद और पंजाब के दरमियान खेला गया ये मुकाबला। पंजाब ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। जवाब में हैदराबाद की टीम उतरी, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही। 27 रन पर उनका पहला विकेट हैडी के रूप में गिर गया। हैडी ने 15 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए 4 चौके की मदद से। अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए मार्कम आए, इस टीम के कैप्टन है, वो भी ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए। महज 2 गेंद खेली और 0 रन बनाकर आउट हो गए। 27 रन पर हैदराबाद के 2 विकेट गिर चुके थे। टीम के आउट होने के बाद नितेश रेड्डी आए, जो नितेश रेड्डी और अभिषेक के बीच में काफी अच्छी पार्टनरशिप हुई। 70 रन की इनके दरमियान पार्टनरशिप हुई, तब अभिषेक शर्मा आउट हो गए। 11 गेंदे खेली, 16 रन बनाकर आउट हो गए चौके और 1 छक्के की मदद से। नितेश रेड्डी का साथ देने के लिए त्रिपाठी आए, इन दोनों के दरमियान भी ज्यादा लंबी पार्टनरशिप नहीं हो पाई और त्रिपाठी आउट हो गए। 14 गेंदों पर 11 रन बनाकर 1 चौके की मदद से आउट हो गए। नितेश रेड्डी का कोई साथ नहीं दे रहा था। नितेश रेड्डी एक तरफ से 37 गेंदों पर 64 रन बनाकर खेल रहे थे, 4 चौके और 5 छक्के की मदद से। अब्दुल आए इनकी जगह संभालने के लिए, वो 12 गेंदों पर 25 रन बनाए, उन्होंने 5 चौकों की मदद से। अब्दुल के आउट होने के बाद में शहबाज अहमद आए, 7 गेंदों पर 14 रन बनाकर वो भी आउट हो गए, 1 चौका और 1 छक्के की मदद से। नितेश रेड्डी का विकेट जाने के बाद में पैट्स कमिंस, जो इस टीम के कैप्टन है, वो बैटिंग करने के लिए आया, ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। 4 गेंदें खेली 3 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। भुवनेश्वर कुमार 8 गेंदों पे 6 रन, जयदीप उनाडकर 1 गेंद, उन्हें लास्ट की 1 गेंद मिली, वो बॉल पे उन्होंने छक्का लगाया जिसकी मदद से वो 1 बॉल पे 6 रन बनाए। और नितेश रेड्डी इस मैच में 37 गेंदों पर 64 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरीके से हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 182 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। हाँ दोस्तों, हैदराबाद की टीम ने 182 रन बना दिए 9 विकेट के नुकसान पर। 20 ओवर के इस मुकाबले में हैदराबाद ने 182 रन बनाया है 9 विकेट के नुकसान पर। आइए देखते हैं दोस्तों, पंजाब की टीम ने किस तरीके से बॉलिंग की जिसे हैदराबाद ने 20 ओवर में 182 रन बना दिए। पंजाब की गेंदबाजी का अगर देखा जाए तो पंजाब ने 20 ओवर के मुकाबले में 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। उनके पहले गेंदबाज थे रबाडा, जो 4 ओवर में 32 रन देके 1 विकेट लिया उन्होंने। रबाडा काफी अच्छी बॉलिंग की रबाडे ने। हर्षदीप 4 ओवर में 29 रन देके 4 विकेट लिए। हर्षदीप जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए पंजाब की तरफ से, उन्होंने 4 ओवर डाले और 29 रन देके 4 विकेट लिए। सैम करन 4 ओवर 41 रन 2 विकेट। सैम करन ने रन तो ज्यादा दिए मगर उन्होंने 2 विकेट निकाली है, अच्छी बात है। सैम करन 4 ओवर में 41 रन देके 2 विकेट। हर्षल पटेल 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट। हर्षल पटेल ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 30 रन देके 2 विकेट। हरप्रीत जो इनके लास्ट बॉलर थे हरप्रीत, वो 4 ओवर में 48 रन दिए, इन्होंने कोई विकेट नहीं पाया। हरदीप को बहुत ज्यादा मारा गया है 4 ओवर में 48 रन, जिसकी वजह से टीम का टोटल 182 रन हो गया 9 विकेट के नुकसान पर। हैदराबाद ने पंजाब को 182 का लक्ष्य दिया है 20 ओवर के मुकाबले में। देखते हैं दोस्तों, पंजाब की टीम टोटल को किस तरीके से चेस करती है। आइए चलते हैं पंजाब की बैटिंग की तरफ। पंजाब को 182 रन का लक्ष्य था 20 ओवर के मुकाबले में। पंजाब की ओपनिंग जोड़ी के रूप में शिखर धवन और जॉनी ब्रेस्टो के रूप में ओपनिंग जोड़ी उतरी। पंजाब की शुरुआत अच्छी नहीं रही क्योंकि उनके महज 11 रन पर उनकी पहली विकेट गिर गई। जॉनी ब्रेस्टो के रूप में वो 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। उसके बाद सिंह साहब आए, वो 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए 1 चौके की मदद से। उसके बाद उनका शिखर धवन का साथ देने के लिए सैम करन आए, शिखर धवन भी आउट हो गए। महज 20 रनों पर पंजाब की 3 विकेट गिर चुकी थी। शिखर धवन के रूप में तीसरा विकेट गिरा। शिखर धवन 16 गेंदों पर 14 रन बनाकर 2 चौके की मदद से आउट हो गए। पंजाब बहुत ही नीचे पोजीशन पे जा चुकी थी, बैकफुट पे चले गया था। 20 रन पे उनकी 3 विकेट गिर चुकी थी। उसके बाद में सैम करन और रजा ने मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई जिसकी वजह से एक अच्छे टोटल तक पहुंचने की कोशिश करी इस चेस को। अब ने 60 रन की पार्टनरशिप की सैम करन और रजा के बीच में। उसके बाद सैम करन आउट हो गए 22 गेंदों पे 29 रन बना के 2 चौके और 2 छक्के की मदद से। सैम करन आउट होने के बाद रजा का साथ देने के लिए पिछले मैच के हीरो स्कार, जिन्होंने लास्ट मैच में बहुत अच्छी पारी खेली थी, 50 रनों की पारी इन्होंने खेली जिसकी वजह से पंजाब ये मुकाबला जीत चुका था, वही पारी दोहराने के लिए वो वापस मैदान पर आए और बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। रजा और संस्कार के बीच में बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई। रजा आउट हो गए 22 गेंदों पर 28 रन बना के 2 चौके और 2 छक्के की मदद से संस्कार का साथ देने के लिए। जितेश शर्मा आए, उन्होंने भी अच्छी शुरुआत की, 11 गेंदों पर 19 रन बनाए 1 चौका और 1 छक्के की मदद से। उनके आउट होने के बाद में आशुतोष सिंह आए, जिन्होंने संस्कार का साथ दिया, बहुत अच्छी दोनों जन के बीच में पार्टनरशिप हुई। आशुतोष सिंह ने 15 गेंदों पर 23 रन मार दिए 1 चौके और 2 छक्के की मदद से। पंजाब ये मुकाबला
दो रनों से हार गया पंजाब, ये मुकाबला 2 रनों से हार गया। पंजाब ने 20 ओवर में 180 रन बनाया सिर्फ 6 विकेट के नुकसान पे। लास्ट में 2 रनों से पंजाब ने ये मुकाबला हारा है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों हैदराबाद ने किस तरीके से बॉलिंग की जिससे पंजाब ये मुकाबला हार गया। 2 रनों से पंजाब ये मुकाबला हार गया दोस्तों। हैदराबाद ने टोटल 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया इस 20 ओवर के मुकाबले में। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 32 रन देके 2 विकेट। भुवनेश्वर कुमार ने इस IPL में दूसरा मैडन ओवर डाला है दोस्तों। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 32 रन देके 2 विकेट लिया, उसमें 1 ओवर मैडन था। पैट्स कमिन 4 ओवर में 22 रन देके 1 विकेट। पैट्स कमिन ने काफी अच्छी बॉलिंग की, 1 विकेट ही पाया लेकिन उन्होंने रन बहुत कम खर्चा किए। नित्यराजन 4 ओवर 33 रन देके 1 विकेट। नितेश रेड्डी 3 ओवर 33 रन देके 1 विकेट। नितेश रेड्डी काफी महंगे साबित हुए मगर उन्होंने 1 विकेट निकाल के दिया। जयदीप उनाडकर इस IPL का पहला मुकाबला खेल रहे थे और 4 ओवर में 49 रन खाया दोस्तों। 1 रन कम पड़ेगा उनकी हाफ सेंचुरी के लिए, उन्होंने 1 विकेट लिया। जयदीप उनाडकर ये मैच में बहुत ज्यादा रन दे दिए, 4 ओवर में 49 रन देके 1 विकेट लिया उन्होंने। शहबाज अहमद 1 ओवर डाला है सिर्फ 10 रन दिया उन्होंने। इस तरीके की हैदराबाद ने बॉलिंग किया जिससे पंजाब ये मुकाबला 2 रनों से हार गया। हैदराबाद ये मुकाबला 2 रनों से जीता है दोस्तों और पंजाब ये मुकाबला हारने के बाद हैदराबाद पॉइंट टेबल में ऊपर जा चुका है। अभी देखना है दोस्तों हैदराबाद के कितने पॉइंट्स तक जाती है और पंजाब क्या क्वालिफाई कर पाती है कि नहीं सेमीफाइनल तक, के टॉप 4 में पहुंच पाती है कि नहीं। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो नए नए अपडेट्स हम डालते रहते हैं।